हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं और पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे बातें छुपाई और आपसे दूर भागते रहे, आपको चीट किया। इसके लिए भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि आप जो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए, आपसे अलग होकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए या किसी भी सिचुएशन में वो स्टक हुए हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई इंसान नहीं है तीसरा, तो कोई ना कोई सिचुएशन ही बन गई, आपके पर्सन को आपको छोड़कर अलग होना पड़ा है या फिर करियर उनका इम्पॉर्टेंट रहा होगा उस समय। तो अब उन सारी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी वजह से अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन ने पास्ट की बात कर रही हूँ, तो आप कुछ के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने धोखा किया है आप लोगों के साथ। उन्होंने आपको जानबूझकर नहीं बताया कि उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान भी है आप दोनों के अलावा, या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से वो आपका साथ नहीं दे सकते, या आपके पर्सन ने आपको सच सच नहीं बताया, आपसे दूर भागते रहे, बातों को छुपाते भी रहे। और कुछ के पर्सन ने ये सब किया तो मजबूरी की वजह से किया, वो नहीं चाहते थे आपको हर्ट करना, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आपको बताना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने आपसे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले दूरी बनाई, और जो भी उनके साथ समस्या थी उसको आपके पर्सन ने चुना है, उस तरफ आपके पर्सन ने बढ़ना सही समझा है, और वो चाहते नहीं थे आपको हर्ट करना, इस वजह से वो आपको बिना कुछ बताए ही चले गए। ऐसा भी कुछ के पर्सन ने किया है, और कुछ के पर्सन ने तो धोखा दिया ही है, आपको भी पता है। उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताया ही नहीं, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपके पर्सन अचानक ही आपसे बात करना बंद कर दिए। आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करना वो ज़रूरी नहीं समझते, कुछ के पर्सन ने ब्लॉक भी कर दिया और वो चले गए थर्ड पार्टी में। और लेकिन कुछ के पर्सन ने यह सब किया किसी मजबूरी की वजह से, और वो आपको उस सिचुएशन को या उस थर्ड पार्टी के बारे में बता नहीं सकते थे, उनके साथ ये समस्या थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप हर्ट हो गए, आप परेशान हो गए, इस वजह से चुपचाप ही वो आपकी ज़िंदगी से चले गए, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। आपके पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइस जो बोल नहीं पाते हैं, फील तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उन्होंने अपनी फीलिंग आपको बता ही नहीं सकी। ऐसा भी हो सकता है कुछ के साथ आपसे कितना प्यार करते हैं आपके पर्सन बता ही नहीं पाते थे, या उनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी है ये आपसे वो कह नहीं पाते थे। इसी वजह से आपके पर्सन ने चुपचाप ही आपकी ज़िंदगी से चले जाना सही समझा। आपके पर्सन की ये समस्या हो सकती है कि अपनी फीलिंग वो बता नहीं पाते हैं। आपके पर्सन आपको खुश रहकर दिखाते और कभी वो ये जाहिर ही नहीं करते थे आपसे कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी सारी समस्याएं हैं, किस वजह से वो आपका साथ छोड़ रहे हैं ये भी आपके पर्सन नहीं बता पाए, और चुपचाप ही वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। और आप परेशान होते रहे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्यों वो इंसान जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता था अचानक ही आपसे आज अलग हो रहा है। और आपको लगा कि आपके पर्सन के दिल में प्यार था नहीं, सिर्फ वो आपको यूज़ करने आए थे, ये भी कुछ लोगों को लगता होगा। लेकिन कुछ के पर्सन ऐसे नहीं थे, वो आपका साथ देना चाहते थे लेकिन उनके साथ ही बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन कुछ के पर्सन ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने तो चीट किया ही है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा आपके पर्सन के बिहेवियर से, आपके पर्सन की चालाकियों से आप भी समझते थे। लेकिन सबके पर्सन ऐसे नहीं थे, कुछ के पर्सन मजबूरी में ही आपसे अलग हुए हैं। और आपने जो पास्ट में अपने पर्सन की हेल्प की है, उनका सपोर्ट किया है, उन सारी बातों को भी अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें आपको रीज़न बताना चाहिए था, इस तरह चुपचाप आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए था, इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। जबकि आपके पर्सन को उस समय यही लगता था कि अगर वो कुछ कहते हैं आपसे तो आप हर्ट होगे, लेकिन अब उन्हें समझ में आता है कि उन्हें आपको बताना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपके पर्सन ने, इस बात के लिए वो पछता भी रहे हैं। और आपके पर्सन के साथ ये भी रहा है गाइस कि पास्ट में भी आपके पर्सन के साथ बहुत सारी समस्याएं रही हैं, जब वो आपके साथ रिश्ते में आए उसके पहले उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन जब आप उन्हें मिले हैं तो आपके पर्सन आपके साथ खुश रहने लगे, उन्हें बहुत अच्छा फील होता था आपके साथ, उन्हें लगता था कि आपके साथ अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो खुश ही रहेंगे, कभी उनको पुरानी बातें याद नहीं आती थी। लेकिन
अचानक ही आप दोनों का रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ है। ये भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों रिश्ते में थे तभी आपके पर्सन की फैमिली आप दोनों के बीच आई है, या तो आप अपने पर्सन के साथ मैरिड रहे हैं, या फिर आप दोनों मैरिड तो नहीं थे लेकिन आपका रिलेशनशिप तो था, आप उनके साथ रिश्ते में तो रहे, लेकिन इसी बीच शायद आपके पर्सन की फैमिली को ये समझ में आया तो उनकी फैमिली को शायद आप पसंद नहीं थे। ये भी हो सकता है या कास्ट इशू रहा हो आप लोगों का, आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड थे, आप दोनों ने शादी कर ली लेकिन फैमिली को पता नहीं था इस बारे में, ये भी कुछ के साथ हो सकता है। और जब पता चला है तो आपके पर्सन की जो फैमिली है उन्होंने आपको अलग करने का फैसला किया आपके पर्सन से, और उनकी फैमिली ही ज़्यादा दिखाई देती है कि उनकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। अगर आप शादी नहीं किए थे तो भी, और अगर आपके पर्सन ने हमने शादी की थी तो भी, उनकी फैमिली ही यहाँ पर दिखाई देती है जिन्होंने आपको अलग किया है। उनकी फैमिली में से कोई भी मेम्बर वो हो सकता है जिन्होंने आप दोनों को दूर किया एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ब्रेन वॉश भी वो थर्ड पार्टी करती थी, या तो थर्ड पार्टी फिर उनके कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं फैमिली नहीं होगी तो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके कोई फ्रेंड हो ऐसे जो आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते थे, या फिर कोई और आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ गया, उनका कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में चले गए, तो कोई ना कोई तीसरा इंसान था जो आपके पर्सन को भड़काता था आपके ख़िलाफ़ और आप दोनों को अलग वो करना चाहता था और उसने ऐसा किया भी है। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनते हैं और उसी वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उन्हें लगता था कि आपके साथ कोई फ्यूचर है नहीं उनका, उन्हें उनकी फैमिली की ही सुननी पड़ेगी या उस थर्ड पार्टी की उन्हें सुननी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते थे आपके और उनके रिश्ते के बारे में, लेकिन उनको यही लगता था कि आप दोनों का कोई फ्यूचर है ही नहीं, आप बाद में परेशान होंगे इसकी वजह से वो पहले ही आपसे अलग हो जाएं यही सही रहेगा, ये भी आपके पर्सन को लगता था। और देखिए कुछ के पर्सन ना प्यार पर ही भरोसा नहीं करते थे, इस वजह से भी आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि उनका पास्ट ही ऐसा रहा है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ था, जो भी लोग उनके साथ थे वो उनसे धोखा करके गए थे उनकी लाइफ से, और इस वजह से आपके पर्सन का प्यार पर से भरोसा भी उठ गया था, इस वजह से भी वो आप पर विश्वास नहीं कर पाते थे। और कुछ के पर्सन इसी वजह से आपसे अलग हुए कि आप भी शायद उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, उन्हें यही लगता था क्योंकि उनके साथ ऐसा सब हो चुका था, तो उस इंसान को आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से भी वो आपको छोड़कर अलग हुए हैं। कुछ के पर्सन ने ये भी किया है, आपके पर्सन को ये लगता था गाइस कि आप उनसे भी बेहतर किसी इंसान को पा सकते हो, उनसे बेटर आप डिज़र्व करते हो, ये आपके पर्सन को लगता था, वो आपके लायक नहीं है, ये भी आपके पर्सन को लगता था, जिसकी वजह से भी उन्होंने आपसे दूर हो जाने का फ़ैसला किया। और आप सोचते थे गाइस कि शायद वो इंसान काम में बिज़ी है, क्योंकि वो तो आपको कुछ बताते नहीं थे, कुछ कह नहीं पाते थे आपसे, तो आप यही समझते थे कि वो काम में बिज़ी हो सकते हैं, इस वजह से आपसे कम बात कर रहे, और आपके पर्सन ने भी शायद ये कहा होगा कि वो बिज़ी हैं, इस वजह से आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, आपसे मिलना नहीं हो पा रहा, तो आप ये सब सोचते रहे और आपके पर्सन के दिमाग में कुछ और ही चलता रहा, उन्हें लगता था कि आपसे आपको उनसे बेहतर कोई ना कोई मिल जाएगा, वो आपके लिए सही नहीं है, ये भी आपके पर्सन के दिमाग में चलता था। फिर दूसरी बात, उन्हें ये भी लगता था कि आपके साथ कोई फ्यूचर है नहीं उनका, इस वजह से भी उन्होंने आपसे दूरी बनाना सही समझा। और कुछ के पर्सन के साथ तो गाइस थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करके आप दोनों को अलग किया है, वो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती थी। अब आपके पर्सन को लगता है गाइस कि एक ऐसे इंसान को उन्होंने धोखा दिया जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो दिल से उन्हें चाहता था, जो उनसे सच्चा प्यार करता था, उसे उन्होंने धोखा दिया है। तो अब आपके पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, अपनी गलती अब वो सुधारना चाहते हैं। आपके पर्सन को अभी ये लग रहा है गाइस कि उनमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो आपके सामने आकर सच कह पाएँ, जो भी आपके साथ उन्होंने किया उसका जवाब अब आपको वो दे पाएँ, ये आपके पर्सन चाहते हैं। और आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि अपने पास्ट की वजह से उन्हें अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहिए, उन्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत आपके पर्सन जुटा रहे हैं, आपके सामने किस तरह आएँ ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उनके बिना, तो इस वजह से वो हिम्मत तो जुटा रहे हैं, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम उन्हें अभी और लगेगा। तो आपके पर्सन तो यही चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, अगर आप उनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो आपको गाइस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव सीख लीजिए, और जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करेंगे उतना ही आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।